अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। सामिन हज़रात, आप खैरियत से होंगे मुझे उम्मीद है। मैं मोहम्मद गुलफाम रज़ा कादरी, सूबाई सदर टीटीएस उत्तर प्रदेश। हज़रात, मैं आपको एक बार फिर मदरसे की नई अपडेट देने के लिए हाज़िर आ गया हूँ। ये रमज़ान का मुबारक महीना है और बहुत से लोगों ने मुझसे बार बार ये तकाज़ा किया कि मदरसे की नई अपडेट दीजिएगा, तो हज़रात मैं दे ना सका। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्राम में मसरूफ़ था, इस वजह से मैं मदरसे की नई अपडेट नहीं दे सका। अब मैं आपका महबूब इदारा, आपका प्यारा इदारा मदरसा दारुल उलूम आला हज़रत के गेट के सामने खड़ा हूँ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखेंगे तबीयत खुश हो जाएगी। ये मदरसे का जो हमारा सदर दरवाज़ा है, ये गेट माशाल्लाह नया लगा है। देखिए अली भाई दिखाएँ, ये गेट नया लगा है और ये बहुत भारी गेट है। तकरीबन 500 केजी का ये गेट है, यानी 5 क्विंटल वज़न का। ये काफ़ी दिन से बन गया था लेकिन लग नहीं पा रहा था, वहाँ से उठ के नहीं आ पा रहा था। मैं भी बाहर था और इसको यहाँ पहुँचाने के लिए परेशानी हो रही थी, लेकिन अब रमज़ान शरीफ में चूँकि छुट्टी होना थी और छुट्टियाँ हो गई और तलबा अपने घर चले गए, मदरसा इस वक्त खाली है। चूँकि रमज़ान में तातील कलाँ होती है, छुट्टी होती है, तो ये गेट बहुत ज़रूरी था। तो हज़रात, ये गेट मदरसे का माशाअल्लाह ये लगवा दिया गया है रमज़ान से पहले, और इस वक्त जो है छुट्टी पर तलबा घर गए हुए हैं और अब छुट्टी हो गई है। मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आप लोग अगर मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, दाखिला दिलाना चाहते हैं, तो हज़रात आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करेंगे, रब्ता करेंगे और अपने बच्चों को 10 शव्वाल से पहले पहले, यानी ईद के बाद से लेके 10 दिन के अंदर अंदर आप हमसे रابطہ करें और दाखिले के लिए कांटेक्ट करें। हमारे यहाँ पर नाजरा, हिफ्स, किरात, दीनियात, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी तालीम बहुत ज़बरदस्त तरीके पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई जाती है। और यहाँ पर बैरूनी तलबा के, बाहर के तलबा के लिए हॉस्टल भी है, उनके रहने के लिए क़याम तआम का भी इंतज़ाम है। अगर आप हज़रात अपने बच्चों को बज़ाबता तौर से हॉस्टल में रख कर के पढ़ाना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें, रब्ता करें, 10 शव्वाल से पहले पहले अपने बच्चों का मतलूबा दर्जे में एडमिशन लें। आइए मैं मदरसे में दिखाता हूं कि क्या काम अभी बाकी है, जो होना बाकी है। आप हज़रात से गुजारिश है कि जैसे आप अपने मदरसा दारुल उलूम आला हज़रत की मदद करते हैं, मदरसा दारुल उलूम आला हज़रत की आप इमदाद करते हैं, दिए हुए खाता नंबर और गूगल पे और फ़ोन पे नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन नंबरों पर आप गूगल पे के ज़रिए, फ़ोन पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, या जो हमने पंजाब नेशनल बैंक का आपको खाता नंबर दिया है जिसके खाते के आखिर के 4 नंबर 2592 हैं, यानी 2592, ये नंबर हैं, आप इन पर भी अपनी मदद भेज सकते हैं। ये रमज़ान का मुबारक महीना है, इसमें अपना ज़कात के ज़रिए, फितरा के ज़रिए, सदका के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा दारुल उलूम आला हज़रत में आप मदद करें। आप जानते हैं कि मदरसा दारुल उलूम आला हज़रत में अगर आप 1 रुपया भी देते हैं, वो रुपया आपका मदरसे में लगता है, तो मैं अपडेट के ज़रिए आपको बता देता हूँ कि आपने जो अपनी खून और पसीने की कमाई का पैसा जो दारुल उलूम आला हज़रत में दिया था, वो आपका पैसा लग चुका है। हज़रात, ये वो मुबारक महीना है कि इसमें अगर आप 1 रुपया दें तो 1 का 70 अल्लाह इसका अजर अता फरमाता है, 70 गुना बढ़ा के मेरा मौला इसको आपका, इस पर आपको अजर देता है। हज़रात, मदरसे के बच्चे भी उन खैरख्वाह हज़रात के लिए दुआएं करते हैं जो मदरसे में तआवुन करते हैं, जो मदरसे की मदद करते हैं, उनके लिए मदरसे के बच्चे भी कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं करते हैं, उनकी कारोबार में बरकत के लिए, उनको शिफा के लिए, सेहत के लिए, उनकी परेशानियां दूर हों उसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बज़ाबता तौर से हमारे मदरसा दारुल उलूम आला हज़रत में एहतमाम हो तो दुआ का, जो जो लोग मदरसे की मदद करते हैं उनका नाम लेकर के दुआ में उनको शामिल किया जाता है, उनके लिए दुआएँ होती हैं। ये रमज़ान का मुबारक महीना है, आप कभी अपने इदारे को नहीं भूलते, तो इस महीने भी मुझे उम्मीद है आप नहीं भूलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सदक़ात, ज़कात, अतियात से मदरसा दारुल उलूम आला हज़रत को नवाजें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मदरसे का नया गेट है जो ये लगा है माशाअल्लाह। ये इसकी खिड़की है, अलग से खुल सकती है, मगर इस वक्त मैं पूरा गेट खोल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा गेट है माशाअल्लाह, काफ़ी वज़नी, ये खुल गया है। आइए देखिए ये काम है, ये दारुल उलूम आला हज़रत के एक कोने में एक थोड़ा सा दुकान टाइप बन रही है। इसमें यह है मदरसे के बच्चों के लिए किताबें वगैरह या कोई कैंटीन या किसी और चीज़ का इंतज़ाम हो जाएगा। इस दुकान में अभी छत पड़ना बाकी है, लेंटर इसका बाकी है। इंशाल्लाह आप लोग दुआ फरमाइए
और इसके लिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए, इसकी लिंटर और छत पड़ेगी। खैर ये बड़ा इशू नहीं है, तो बहुत छोटा सा काम है, इसको करा ही दिया जाएगा, कोई मसला नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दारुल आला हजरत में मैं टहल रहा हूँ, ज़मीन देख रहे हैं, अभी कच्ची ज़मीन है हजरत, इसमें टाइल्स बिछना बाकी है, ये टाइल्स लगना है जो अभी तक नहीं हुआ है ये काम। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसकी टाइल्स के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तआवुन करें, कोशिश करें। और अगर हमारा कोई भाई, अगर मेरा कोई भाई इसमें टाइल्स के लिए देना चाहता है कुछ, या पूरी टाइल्स लगवाना चाहता है, या वो चाहता है कि मैं अपनी तरफ से 1000 टाइल्स लगवा दूं, 2000, 5000, तो वो बिल्कुल लगवा सकता है। जो हमने आपके लिए स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, खाता नंबर, गूगल पे, फ़ोन पे नंबर, उनके ज़रिए से मदद कर सकता है। बाकी मदरसे का ये पेंट का काम बाकी है, अभी आप देख रहे हैं कितना बड़ा पेंट होना है, दिखाइए ये बिल्डिंग पे, ये वाइट कलर इस पर कर दिया है, अभी इस पर पेंट बाकी है, ये पूरी बिल्डिंग पर दिखाएं आप, ये पूरी बिल्डिंग पर पेंट बाकी है, ये पेंट होना है। कोई हमारा भाई अगर चाहे पेंट की जिम्मेदारी ले ले तो पेंट पूरा भी करा सकता है, या थोड़ा थोड़ा जितनी उसकी हैसियत है पेंट में, दो बाल्टी के ज़रिए से मदद करे, एक बाल्टी के ज़रिए से पेंट की मदद करे, हैं, या दो मज़दूरों को लगा दे, पांच मज़दूरों को लगा दे, जितनी उसकी हैसियत है, पेंट इसमें होना है बाकी है, ये इसके लिए मदद कर सकता है। आप देख रहे हैं अभी वो गेट हमने दिखाया था, ये चैनल गेट, चैनल गेट ये रखा है, ये लगना बाकी है, ये चैनल गेट, दिखाइए अली भाई, ये जो इस पर कलर कराया है, अभी रमज़ान शरीफ आया, लग नहीं पाया, ये एक पल्ला ये है और एक पल्ला इसका ये है, देखिए ये रखा हुआ, ये लगना बाकी है बिल्डिंग के अगले वाले हिस्से में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी हजरात। तो ये दो काम मैंने आपको बताया, एक कलर होना बाकी है, तीसरा जो है आपके इस मदरसा दारुल उलूम आला हजरत में जो है ये टाइल्स लगना बाकी है जो आप दिख रहे हैं, अभी ये नंगी ज़मीन है, आप लोगों ने तआवुन किया तो इंशाल्लाह ये टाइल्स लग जाएगी। और एक मेन काम और है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए हम ये बैक साइड में आ गए मदरसा दारुल उलूम आला हजरत की, ये पीछे का हिस्सा है, और ये पीछे का हिस्सा मैं आपको अच्छे से दिखा दूं, ये दिखाएं, ये पीछे का हिस्सा है, देखिए ये दारुल उलूम आला हजरत का, ये जो गेट आपको खाली दिख रहा है, वो जो चैनल गेट मैंने आपको दिखाया था, वो यहीं फिक्स होना है, ये जो आपको खाली जगह दिख रही है इसमें वो चैनल लगना है इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, वो तो रखा है, कलर भी कर दिया है, ठीक है, ये बैक हिस्सा है। अब मेन चीज़ जो है हमारी ये है, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, देखिए वो यहाँ तक आके ख़त्म हो जाती है, ये बाउंड्री तकरीबन जो मदरसे की हमारी लंबाई है, वो लंबाई के दो हिस्सों को हमने इस बाउंड्री से कवर कर लिया है, ठीक है, इस साइड में भी बाउंड्री हो गई है, और ये देखिए इस साइड में भी ये बाउंड्री हो गई है, ये कवर कर लिया है, ठीक। अब हमारी ये पीछे का जो एक हिस्सा बाकी है, यानी तीन हिस्सों में दो हिस्से की बाउंड्री हो गई है, और ये एक हिस्सा बाकी है, देखिए ये जो ज़मीन पड़ी है मदरसे की, ये बाउंड्री होना, ये देखिए ये इस तरीके से ये बाउंड्री घूम के आएगी, वो जो पेड़ दिख रहे हैं वहाँ से ये बाउंड्री आएगी, ठीक है, उसके बाद में ये एक हिस्सा है, ये दीवार आएगी, ये यहाँ हमारे लेटरिन बाथरूम वगैरह है, यहाँ तक आकर के ये हमारी बाउंड्री ख़त्म हो जाती है। तो हमारा बाउंड्री का मेन काम है, हमने आगे से गेट भी लगा दिया है, बाउंड्री भी दो हिस्सों में हमारी बन गई है हजरात, लेकिन अब बाउंड्री का मामला ये है कि ये एक हिस्सा पीछे से रह गया है, तो बहुत लोग यहाँ परेशान करते हैं, बच्चों को भी रात में आते हैं परेशान करते हैं, कभी कोई मोटर खोल के ले जाता है मदरसे की, कोई मशीन तोड़ के नल की पानी की चला जाता है, कोई ये टूटियाँ तोड़ के चला जाता है, कोई नुकसान करके चला जाता है, चूँकि इधर से ये खुला हुआ है, पैसे की किल्लत की वजह से ये पीछे की बाउंड्री ना बन सकी थी, हमने आगे की बाउंड्री बनवा दी थी। हजरत ये रमज़ान का मुबारक महीना, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इतना आप तआवुन कर दें इसमें भरपूर तरीके से, कि हम रमज़ान के बाद ये बाउंड्री बना सकें जो मैंने आपको बाउंड्री दिखाई है, ताकि हमारा पूरा मदरसा महफूज हो जाए और चारों तरफ से बाउंड्री में हमारा मदरसा महसूर हो जाए, और फिर हमारे मदरसे में कोई परेशानी ना हो। मेन गेट में ताला लगा दिया, बंद कर दिया, तो हमारे बच्चे भी महफूज रहें और उसके साथ कोई मदरसे में नुकसान भी ना कर सके। बस यही मेरी गुजारिश थी, इस रमज़ान के महीने में अपने महबूब इदारा दारुल उलूम आला हज़रत को ना भूलें। इंशाल्लाह मैं आपको अगली अपडेट दूंगा ज़रूर। आप अपना ये जो मैंने आपको गूगल पे फ़ोन पे नंबर दिया है 9759811812, यानी 9759811812, जो ये नंबर है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, तीनों चलता है, और जो पंजाब नेशनल बैंक का आपको स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है जिसका खाता नंबर आखिर में 2592 है, आप अगर उस पर भी भेजना चाहें तो उस पर भी भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।